करते हैं बेमित्रा की। बेमित्रा में पटवारी संघ ने 6 सूत्री मांगों को लेकर हड़ताल शुरू कर दी है। राजस्व पटवारी संघ ने तहसील कार्यालय के सामने बैठकर अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। पटवारियों की माने तो राजनांदगांव में एक पटवारी को एसडीएम ने बिना सूचना के सस्पेंड कर दिया था, जो न्यास संगत नहीं है, इसलिए जब तक मांगे पूरी नहीं होती तब तक हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। आपको बता दें कि पटवारियों की हड़ताल जारी है और आपको बता दें कि उनकी मांग पूरी ना होने तक हड़ताल करने की बात कही गई है। तो आपको बता दें कि मामला पूरा बेमित्रा का है, जहां पर अपनी मांगों को लेकर पटवारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होती जब तक हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। और क्या कुछ पटवारियों की मांगे हैं आइए आपको बताते हैं। राजनांदगांव में डोंगर गांव के पटवारी मुरलीधर शर्मा को बहाल करें और साथ ही 50% पदों पर वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति करें। भुइया कार्यक्रम के तहत ऑनलाइन करने हेतु लैपटॉप प्रदान करें। मुख्यालय में निवास करने की बाध्यता समाप्त हो और बिना विभागीय जांच के एफआईआर नहीं हो। और साथ ही आपको बता दें कि भुइया कार्यक्रम की तकनीकी परेशानी समाप्त हो। तो ये सारी मांगे पटवारियों ने जिम्मेदारों के समक्ष रखी है और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जब तक ये मांगे पूरी नहीं हो जाती जब तक उनका धरना और हड़ताल यूं ही जारी रहेगी। भवन पर 5 मार्च 2020 से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बेमित्रा तहसील के साथी बैठे हैं, जिसमें संभाग स्तरीय यह हड़ताल है और इसमें मतलब प्रमुख रूप से राजनांदगांव जिले के समस्त पटवारी के साथ डोंगरगांव अनुभागीय अधिकारी द्वारा दुर्व्यवहार किया गया। हमारा 50% जो पटवारी सीनियर साथी हैं उनको राजस्व निरीक्षक में प्रमोशन दिया जाए और भुइया कार्यक्रम के लिए लैपटॉप दिया जाए। तीसरी हमारी मांग है मुख्यालय में रहने की, जो यह बाध्यता उसको समाप्त कर। और अब हमारे साथ में पटवारी मोती राम निषाद हमारे साथ में जुड़ गए हैं। मोती राम जी, बहुत स्वागत है आपका स्वराज एक्सप्रेस में। जी मैडम जी, आप भी उस हड़ताल में शामिल है जो पटवारी संघ छत्तीसगढ़ ने की है। आपने मांगे सामने रखी है, 6 सूत्री मांगे हैं, आपसे एक बार समझना चाहेंगे। अभी तो हड़ताल वापसी हो गए हैं मैडम। हड़ताल वापसी हो गए तो जो 6 सूत्री मांगे आप लोगों ने कही थी, क्या वो 6 सूत्री मांगे जो मान ली गई है अभी आश्वासन मिला है मैडम, है ना जी? तो क्या ये पहली बार आपने ये हड़ताल की थी या इससे पहले भी आप 6 सूत्री मांगों को लेकर अपनी आवाज उठा चुके हैं? नहीं, ये मतलब पहली बार है, इसके पहले 5 साल पहले और हुआ था जी। इस विषय में लेकर पहली बार है। अच्छा, हड़ताल। चलिए, हमारे साथ में जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। और अब हमारे साथ में संवाददाता दिलीप जुड़ गया है। दिलीप, मामला सामने आया है 6 सूत्री मांगों को लेकर, आश्वासन दे दिया है जिम्मेदारों ने, क्या लगता है अब आगे? देखिए, इसमें आश्वासन देके पटवारी को जो हड़ताल कर रहा था उसको तभी आनंद फारन में उसको बंद कर दिया गया और हड़ताल खत्म करके पटवारी लोग अपने ड्यूटी चले गए हैं। लेकिन आश्वासन दिया गया है, लेकिन कब तक करेंगे पूरा उसका हड़ताल है जो, और या दोबारा नहीं करेंगे, ऐसा आश्वासन नहीं मिला है। लेकिन अभी पटवारी लोग, कई ऐसे पटवारी है उनको कहना है, हमको बोला तो गया है लेकिन अभी तक, लेकिन उसको लिखित में दिया गया है ना, हमको लिखित में कुछ हुआ है, हम लोग बोल रहे हैं हमको लिखित में मिलना चाहिए तब तक हड़ताल खत्म करेंगे। फिलहाल अभी उनको समझा दिया गया है, समझाने के बाद उनको हड़ताल खत्म करा दिया गया है जी। तो आगे की जो पटवारी है उनकी रणनीति क्या है, क्योंकि अभी लिखित में दिया नहीं गया है और अगर इनकेस नहीं हो पाती है उनकी मांगे पूरी तो फिर क्या कुछ है? बात हुई है आपकी पटवारियों से? पटवारी से मेरी बात हुई है तो बोले हैं जैसे हमारी बात मान जाते हैं तो ठीक है, हमारा 6 सूत्री मांग है वो भी हमारा होना चाहिए, उसमें सब्जेक्ट होना चाहिए। जैसे नहीं होता है, आपको 15 दिन का टाइम दिया गया, 15 दिन में नहीं होता है तो हमने पूरे प्रदेश में जी जी। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि अभी आश्वासन दिया गया है और लिखित में कोई भी बात नहीं कही गई है और आश्वासन के बाद यह हड़ताल
समाप्त कर ली गई है और साथ ही पटवारियों का कहना है कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी जाती तो एक बड़े स्तर पर हम अब हड़ताल करेंगे। आपको बता दें कि 6 सूत्रीय मांगे हैं जो पटवारियों ने जिम्मेदारियों के समक्ष रखी हैं और साथ ही उन मांगों को पूरी करने के लिए मांग भी की गई है। आपको बता दें कि ये पहली बार है जब पटवारियों ने हड़ताल की है अपनी मांगों को लेकर। चलिए बात करेंगे अब सीधे की।